हुआ रोबोट। पापा पापा कोई रोबोट बेच रहा है। रोबोट ले लो रोबोट, टूटे फूटे सामान से बना हुआ रोबोट, घर के वेस्ट मटेरियल से बना हुआ रोबोट। अंकल अंकल मुझे एक रोबोट चाहिए। ले लो बेटा ले लो। आप इस तरह कैसे रोबोट बेच रहे हैं, जैसे आलू प्याज बेच रहे हो। मूर्ख इंसान, हम 21वीं सदी में हैं। तुम कौन से युग की बात कर रहे हो? तुम्हारे बच्चे में रोबोट का शौक देखकर मुझे खुशी हुई। ये लो बेटा, मेरी तरफ से ये तुम्हें फ्री गिफ्ट। यस फ्री गिफ्ट। मैं तुम जैसे होनहार बच्चों को एनकरेज करता हूँ ताकि बड़े होके तुम साइंटिस्ट बनो। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ इसे ऑपरेट कैसे करना है। मेरा डोंकी सेंस कहता है यहाँ कुछ खतरा है, वो दाढ़ी वाला आदमी सही नहीं है। चलो एक दुलाटी मार के देखता हूँ। ये तो टिम्बकटू जैसा लग रहा है, एक दो लात और मार के देखता हूँ। बचाओ, हेल्प, ये गधा मेरे पीछे क्यों पड़ा है? ये था सेंट मैरी के स्टूडेंट का रोबोट, और आर्य शिक्षा मंदिर स्कूल के स्टूडेंट का रोबोट आएगा। यमी, अच्छी चाय बनाई है। फ्रेंड्स अब बारी है इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट रॉकी के रोबोट की। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर किसी का रोबोट मेरे रोबोट को बाइक रेस में हरा सके। मेरे पास दो बाइक है, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लो और हार मान लो, वरना मेरे रोबोट को बेस्ट मान लो। मेरे रोबोट को तो बाइक चलाना आता ही नहीं। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। मेरा डोंकी सेंस कह रहा है इस टॉय को फेंक दो, कुछ तो खतरा है। उड़ते हुए गाजर खाने का अलग ही मजा है। वीन, देखो ये कितना प्यारा टॉय है, अपनी छत पे पड़ा था। लगता है कोई चिड़िया कहीं से उठा के लाई होगी और यहाँ गिरा दिया होगा। कोई बटन दब गया होगा। मेरा डोंकी सेंस खतरे की घंटी बजा रहा है, उसे फेंक दो जल्दी। विंग सूट ऑन। इमली, वीर को क्या हुआ? पता नहीं, वो हिलडुल नहीं रहा है, जल्दी इसे दादाजी के पास ले जाना होगा। लगता है आज बॉस का सपना पूरा हो गया।
दादाजी, वीर ठीक तो हो जाएगा ना? ये सब मेरी वजह से हुआ है। I'm sorry दादाजी। ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं उड़ने को बोलता ना ये सब होता। I'm very sorry दादाजी। बच्चों, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये सब मैड मैक्स की वजह से हुआ है। वीर ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये लो, सब कनेक्शन करेक्टली जॉइंट हो चुके हैं और अब सब लोग अंकल संभाल के। अंकल मैं भी देखता हूँ कि ये मोर कैसे बचता है। मेरा नाम शिकारी अंकल ऐसे ही नहीं पड़ा है। वीर, कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला, लेकिन मुझे मालूम है वो बंटी के शिकारी अंकल के पास ही होगा और उनका फार्म हाउस शिकारपुर में है। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाता हूँ। अंकल, ये डांस तो कर नहीं रहा है। वो डांस करेगा, जरूर करेगा। उसे बरसात चाहिए और मैं बरसात दूंगा। उसे छोड़ दीजिए, ऐसे किसी पक्षी को बंद करके रखना ठीक नहीं। पापा, वो बहुत दुखी है, डांस कैसे करेगा? आप उसे छोड़ दो, फिर वो डांस करेगा। तुम माँ बेटी मेरा हर खेल बिगाड़ के रख देते हो। जाओ अपना काम करो, मैं बरसात करवाता हूँ। ये बरसात से खुश होकर डांस जरूर करेगा। पानी बरस रहा है, देखो देखो कितना अच्छा मौसम है। मुझे उल्लू समझ रहा है, तुमको डांस देखने को तो नहीं मिलेगा, मैं ही देख लेता हूँ। मोर मोर तुम भाग जाओ, इससे पहले कि पापा तुम्हें देख ले। ये माँ और बच्ची बहुत भले हैं। अंकल अंकल, मोर भाग गया, मोर भाग गया, वो भाग गया अंकल। रामू, नट्ठू, माइकल, सिमोन, सब इकट्ठे हो जाओ। अरे कोई बचाओ। अरे क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं कोई हिरन नहीं हूँ, अरे मैं तो गधा हूँ, गधा। अरे गधा खाओगे तो दूसरे डायनासोर तुम पे हंसेंगे। अरे छोड़ दो मेरा पीछा, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ओह माय गॉड, इतने बड़े बड़े डायनासोर्स, मैं तो घर जाके छुप जाता हूँ। वहाँ ये मुझे खा नहीं पाएंगे और मैं खाना ही खाता रहूंगा। ट्रक कहाँ गया? हाल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। तुम यहाँ खड़े खड़े क्यों कांप रहे हो? अरे मैं गधे वधे नहीं खाता, यक, सोच कर भी उल्टी आती है। ये हमारा अपमान है, मेरी इंसल्ट है। मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझे नहीं खा सकते?
मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। चुपुल, ज्यादा जोश में मत आओ, भागो। मैं इतना अपमान सहने के बाद भाग नहीं सकता। गधों को खाने की बात ही सोच के इसे उल्टी आती है। इसका मतलब क्या है? नाराज मत हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने इमोशनल हो जाओगे। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। चलो चलो भाई, तुम्हें खा ही लेता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं जरा जोश में आ गया था, सॉरी। ने हमारा शिकार छीना है, चलो उसका ही शिकार करते हैं। हाँ, 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 चलो, 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 चलो। तो प्लान करके मेरी तरफ आ रहे हैं, किन्हें कहीं और ले जाकर ट्रैप करना होगा। सबको मीनार से टकरा देता हूँ, जैसे ये मेरे पास आएंगे मैं उड़ जाऊँगा और ये टकरा जाएंगे। ओ नो, का ग्रुप जीत जाएगा। हमें कुछ करना ही होगा। जिंटू, तुम जादू का इस्तेमाल कर रहे हो, बिना जादू के प्रैक्टिस करो प्लीज। हम कंपटीशन में जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन हमें तो पता है ना, ये चीटिंग होगी। किसी भी मुकाबले में चीटिंग करना सही नहीं है। तुम्हें तो मेरे जादू से हमेशा प्रॉब्लम होती है। वीर को मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं। चलो चलकर कहीं कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। हेलो जिंटू। हाय बंटी। ए, लो चॉकलेट खाओगे? हाँ हाँ, मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। मैं तुम्हें रोज रोज ऐसी ही चॉकलेट खिला सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त? तुम हमारे गुरु बन जाओ, हमें भी अपने जैसा डांस सिखाओ। क्या तुम हमें अपना शिष्य बनाओगे गुरुजी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन रोज रोज चॉकलेट खिलाने वाली बात याद रखना। चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो तुमसे ही मिलनी है, तो क्यों ना थोड़ा जादू तुम्हारे ऊपर ही कर दूं? तुम सीख गए हो, फिर से करो। जल्दी से लाइट का बंदोबस्त करो। हाँ, और जल्दी करना, मुझे मेरा फेवरेट कार्टून देखना है। ओए, रोबो बॉय से कैसे बात कर रहे हो? रोबो बॉय, प्लीज हेल्प अस। मैं कुछ करता हूँ, तब तक आप लोग कार्स की हेडलाइट चालू रखें, वरना पूरा अंधेरा हो जाएगा। वीर, तुम्हें लोगों की मदद के लिए आना ही होगा। और फिर दादाजी, हर तरफ अंधेरा है,
समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। ये मैड मैक्स की करतूत है। पहले शहर में रोशनी का बंदोबस्त करना होगा, वरना ऐसा ही अंधेरा रहा तो हर तरफ लूटपाट मच जाएगी। दादाजी, हमारे ऊपर से काला साया उड़ता हुआ गया और अंधेरा हो गया। चलिए आपके लैब में देखते हैं हमारे सीसीटीवी में उसकी इमेज कैद हुई है नहीं। हाँ चलो, हमारे सीसीटीवी में उसकी इमेज जरूर होगी। वीर जिंटू को बुला दो, हम उससे कम से कम इस छत पे तो लाइट जलवा लें। हाँ, गुड आइडिया। क्या हुआ इमली, वीर कहाँ है? पूरे शहर में अंधेरा है, सब परेशान हो रहे हैं। हर घर के ऊपर एक बल्ब ऐसा जला दो जैसे लगे कि तारा चमक रहा है। मैं एक तारा चमका देता हूँ, बल्ब क्यों जलाना है? अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। पापा पापा, एक तारा हमारे छत के ऊपर भी है। चलो चलो तारे पे चढ़ते हैं। चड्डा अंकल, कहाँ जा रहे हो? ये ऊपर चला गया तो फंस जाओगे। मुझे स्टार पे बैठ के चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। बंटी की मम्मी चाय लेने गई है। ये मेरा अपना स्टार है, अपना स्टार। चिंटू, ये क्या कर दिया तुमने? वीर, वीर देखो चिंटू ने क्या कर दिया। यकीन नहीं हो रहा, इतने तारे नीचे आ गए। ओह, ये ऊपर वाले के कैसे कैसे चमत्कार हैं। मैं घर पे जाता हूँ, मेरी छत पे भी एक तारा होगा। ये कैसे हो सकता है? हर घर के ऊपर एक तारा है, वीर ये सब नहीं कर सकता। ये तो एक रोबोट के बस की बात नहीं है।